अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मेरी हबी की ख़ास फरमाइश पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जो ठंडी के सीज़न में बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी और यमी बनता है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें मेरी रेसिपी की हर नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर लिए हैं। मैं 2 किलो गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ, तो इसे हम पहले कट कर लेंगे ऊपर टॉप से और इसके एंड से, और इसे एक नाइफ़ की मदद से अच्छे से खुरच देंगे। देखिए, गाजर का जितना भी डर्ट पार्ट था उसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। बस इसी तरह से हम दूसरे गाजरों को भी ऐसे ही कर लेंगे। देखिए, हमारे कैरेट्स का जो भी डर्ट पार्ट था वो निकल गया है और गाजर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है। मेरा जो दूध था वो फ्रीज़र में था, उस वजह से बहुत ठंडा हो गया था, तो इसे यहाँ पर मैं बॉईल कर लूँगी सबसे पहले अच्छी तरह से। देखिए, यहाँ पर मैंने गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, यानी ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। पर मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। ये वही होममेड घी है गाइस जो हमने तैयार किया था। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं ऊपर इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद अब हम अपने गाजर ऐड कर लेंगे। सारे गाजर को पैन में डाल के इसे घी में अच्छी तरह से पकने देंगे और इस पर लिड लगा लेंगे। देखिए, 20 से 25 मिनट के बाद मैंने लिड ओपन किया है। बीच बीच में मैंने स्टर भी किया था। आप देख सकते हैं हमारे गाजर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें से पानी निकलना भी स्टार्ट हो गया है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है घी और गाजर की। हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, स्टर कर ले आप इसे अच्छी तरह से। दोबारा इस पर लिड लगा के 10 से 15 मिनट के लिए और पकने दें। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मावा लिया है, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे स्टर करके हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ले। यहाँ पर जो गाजर है वो ऑलमोस्ट पक गया है, स्टर कर ले इसे एक बार अच्छी तरह से। हमारे गाजर के हलवे को और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 ग्लास दूध ऐड कर लिया है। मावा और दूध से हमारे गाजर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। यहाँ पर जो हमारा मावा है वो भी भुन गया है। बस हल्का सा ही आपने इसे रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा भी आप इसे रोस्ट ना करें। यहाँ पर गाजर के हलवे में मैंने 1 टीस्पून के करीब घर की ही मलाई ऐड की है। आपके पास अगर घर में मलाई अवेलेबल है तो थोड़ी सी ऐड कर ले, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने 2 कप शुगर ऐड किया है। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से शुगर को मिक्स कर ले। शुगर अच्छी तरह से गाजर के हलवे में मेल्ट हो जाना चाहिए। शुगर के मेल्ट होने और गाजर के हलवे को और थोड़ा ड्राई होने तक आप इसे और कुक कर ले। यहाँ पर जो हमारा मावा है वो भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, आप इसे इसमें ऐड कर ले। स्टर कर ले इसे बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिससे हमारे हलवे का और टेस्ट बढ़ जाएगा। इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्का सा घी ऐड करके। यहाँ पर मैंने किशमिश, बादाम,
काजू और थोड़ा सा पिस्ता लिया है। इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड किया है मैंने। ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरह से और लिड कवर करके 2 मिनट्स के लिए और पकने दे। देखिए हमारा टेस्टी और यमी गाजर का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं और अपने हबी, बच्चों और फैमिली को खुश कर दे और मुझे भी खुश कर दे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस सर्दी के मौसम में ये हलवा ज़रूर ट्राई करें गाइस। मिलती हूँ दोबारा एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।